आलोत्रा थाने का टॉप 10 अपराधी चैनाराम को 16 ग्राम एमडी के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी उमेद बैरानी, आप जुड़े हैं राजस्थान राइज फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। साथियों, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त जो पुलिस के साथ में एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा है, इसका नाम चैनाराम है। चैनाराम बालोतरा थाने का टॉप 10 अपराधी है। हालांकि पहले भी इसको पकड़ने के लिए पुलिस ने खूब प्रयास किया, लेकिन हर बार पुलिस को चकमा देकर टॉप 10 बालोतरा थाने का टॉप 10 अपराधी चैनाराम हर बार जो है वो भाग कर निकल जाता था। लेकिन पुलिस ने, बालोतरा पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद अवैध मादक पदार्थ की बेचना और उसको खरीदने के अपराध में 16 ग्राम अवैध एमडी मादक पदार्थ के साथ चैनाराम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि एमडी जैसे मादक पदार्थों का नशा करना ये जो है काफ़ी घातक है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। चाहे बाड़मेर पुलिस की बात करें या पड़ोसी जिले बालोतरा की, पुलिस लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। हालांकि चैनाराम जो हैं पहले भी जो हैं मादक पदार्थ, अवैध मादक पदार्थ बेचने और खरीदने के इसके ऊपर जो है कई आरोप भी हैं, लेकिन बालोतरा पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जो हैं वो चैनाराम को 16 ग्राम अवैध एमडी के साथ जो है वो गिरफ्तार किया है। हमारे तमाम साथियों से अपील रहेगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप भी अगर इस तरह का नशा कर रहे हैं तो नशे से बचिएगा, क्योंकि अगर आपके पास इस तरह का कुछ भी पदार्थ पाया गया या कुछ भी जो है मिला तो पुलिस आपको सलाखों में डाल सकती है, क्योंकि इन दिनों पुलिस जो है अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ लगातार जो है वो कार्रवाई कर रही है, अभियान चला रही है। हमारे तमाम साथियों से अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप अपनी राय जो है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। लेकिन आपके आसपास कोई भी ऐसी कोई मादक पदार्थ जिसको कोई बेच रहा हो तो भी आप हमें सूचना जरूर कीजिएगा, उसकी खबर जो है हम प्रशासन तक और अधिकारियों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला बालोतरा के आदेश अनुसार वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना बालोतरा की टीम द्वारा एनडीपीएस एक्ट में पिछले 8 माह से फरार थाना के टॉप 10 वांछित आरोपी चेतन राम को कल दिनांक 18/9/2024 को बस्तिया पर गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में पूर्व में मुलजिम कल्याण सिंह को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में एमडी बरामद की गई थी। मुलजिम चेतन राम से अन्वेषण जारी है।